क्या आपने कभी कोई बॉट आईडी में हिप हॉप इलाइट पास, सकुरा इलाइट पास, ऐसे रेयर रेयर इलाइट पास देखे? एंड उस आईडी में सिर्फ मतलब सीजन 1 इलाइट पास, सीजन 2 इलाइट पास ही मिलेंगे आपको, सिर्फ रेयर इलाइट पास है एंड कुछ भी नहीं है। आई एम डैम श्योर आप लोगों ने ऐसे आईडी कभी भी नहीं देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 आईडी दिखाऊंगा जो कि बॉट आईडी है। जी हाँ गाइस, जो बॉट आईडी जैसे होते हैं सारा के सारा बॉट आईडी है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे रेयर चीजें हैं ना जो भाई मतलब 70 लेवल प्लस बंदे के पास भी नहीं रहता, ठीक है? ऐसे मतलब रेयर चीजें हैं उनके पास जो आज के डेट में बंदे पाने के लिए तरस जाते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। बट वो सारे रेयर ड्रेस ऐसे एक बॉट आईडी में छुपा हुआ है। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर दो, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर डेली देखने के लिए मिलता रहता है। एंड हाँ, हम इंस्टाग्राम पर भी है, तो अगर आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनीवे, साथ ही मैं टॉप 5 नंबर लिस्ट में जो गाइस बॉट आईडी है जिसके पास रेयर इलाइट पास है, ये आईडी देखो गाइस, इस बंदे के पास है सीजन 2 इलाइट पास, यानी ये जो आईडी है इसका बिल्कुल ही बॉट आईडी है, मतलब इस आईडी में और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा कुछ फ्री का आइटम दे है, बस इसके पास है सीजन 2 इलाइट पास जो कि आज के डेट में काफी ज्यादा रेयर इलाइट पास माना जाता है। गन स्किन भी देख लो, इतना ज्यादा गन स्किन है ही नहीं इस बंदे के पास, ठीक है? मतलब पूरा बॉट आईडी है, बट इस बंदे के पास है सीजन 2 इलाइट पास जो कि भाई बहुत ही ज्यादा रेयर है। एंड रुको, ये तो कुछ भी नहीं है, टॉप 1 नंबर लिस्ट में जो आईडी है भाई गॉड, वो तो सबसे ज्यादा मतलब बॉट आईडी है एंड उसमें सबसे ज्यादा रेयरेस्ट कलेक्शन है, ठीक है? ऐसे बॉट आईडी में आप लोगों को ऐसे ऐसे चीजें देखने के लिए मिलेगा जो शायद किसी मतलब भाई यहाँ पे 80 लेवल आईडी में भी ऐसे चीजें ना हो। तो ये आईडी देख के आपको कैसा लगा ये मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ओके, फिर अभी आते हैं मैं टॉप 4 नंबर लिस्ट में जो गाइस बॉट आईडी आता है जिसके पास रेयरेस्ट कलेक्शन है, ये आईडी ध्यान से देखो, इस बंदे के पास है ग्रीन क्रिमिनल। हाँ, जानता हूँ गाइस इतना ज्यादा रेयरेस्ट नहीं है आज के डेट में ग्रीन क्रिमिनल, ठीक है? मतलब उतना ज्यादा नहीं है जितना पहले था, बट आज के डेट में थोड़ा तो रेयर है ही है, ठीक है? जो भी न्यू प्लेयर्स है उनके पास तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो रेयर है ये, लेकिन गाइस फिर भी इस आईडी के मुकाबले मतलब इस बंदे के पास एक रेयरेस्ट कलेक्शन है। ये आईडी को ध्यान से देखो, इस बंदे के पास है सारा का सारा फ्री आइटम, ठीक है? जो फ्री में मिलता है वो सारे के सारे चीजें है इस बंदे के पास, लेकिन गाइस जो है ग्रीन क्रिमिनल यहाँ पे है इस बंदे के पास वो सबसे बड़ी बात है। मतलब बॉट आईडी में भाई बोल सकते हो आप लोग ग्रीन क्रिमिनल, मतलब बहुत बंदों का बहुत सारा डायमंड चला गया ग्रीन क्रिमिनल निकालने में जब सेकंड बार आया था, लेकिन इस बंदे के पास ग्रीन क्रिमिनल ऑलरेडी है। एंड भाई मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके कलेक्शन के हिसाब से इसके पास जो ग्रीन क्रिमिनल है वो इस आईडी को रेयर बनाता है। टॉप 3 नंबर लिस्ट में जो गाइस बॉट आईडी आता है जिसके पास रेयर कलेक्शन है जो आज के डेट में मतलब बहुत बंदों के पास नहीं होता, तो ये है गाइस देख सकते हैं आप लोग जो भी ब्लैक टी शर्ट, ठीक है? ब्लैक टी शर्ट आज के डेट में रेयर है, ठीक है? मतलब ये रिटर्न आ चुका है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को इस बंदे के पास पहले से ही रेयर मतलब ये ब्लैक टी शर्ट था, ठीक है? ये आज जो आया था मतलब ये कुछ दिन पहले, उसमें नहीं निकाला इस बंदे ने, ये बहुत पहले से इस बंदे के पास था, क्योंकि इसका कलेक्शन देख के आपको पता चल सकता है मतलब इस बंदे के पास कितने पुराने से इस बंदे ने कलेक्ट करके रखा है, ठीक है? जो फ्री में मिला था ब्लैक टी शर्ट एक बार सबसे पहले उसी वक्त इस बंदे ने कलेक्ट किया था। एंड इसका गन कलेक्शन भी देख सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं है गन कलेक्शन में, ठीक है? मतलब इस बंदे के पास बोल सकते हैं बॉट आईडी कलेक्शन है, लेकिन भाई जो है ब्लैक टी शर्ट है जो आज की डेट में रेयर है। एंड उसके बाद भाई इस बंदे के पास है सैताना बंडल, ठीक है? जो टकला वाला है ये भी है, ठीक है? मतलब टकला है, आई थिंक बंडल पूरा नहीं है। तो भाई मतलब ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर ये ब्लैक टी शर्ट रिटर्न नहीं आता तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता, मतलब आज की डेट में जो ये हिप हॉप इलाइट पास की तरह मतलब ये भी रेयर हो जाता है एक समय पे, क्योंकि ये कभी भी वापस नहीं आने वाला था, बट ये आ गया, ठीक है? एंड गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये बंदे के पास ब्लैक टी शर्ट है ये बहुत पहले से ही है, मतलब इस बंदे ने अभी जो आया था रिसेंटली उसमें नहीं लगाया अपना डायमंड, नहीं निकाला, इस बंदे के पास पहले से ही है। जब फ्री में मिला था ना ब्लैक टी शर्ट सबसे पहले लॉग इन रिवार्ड पे, तभी गाइस मतलब बंदे के पास था। ओके, कोई ना गाइस, अभी आते हैं मैं टॉप 2 नंबर लिस्ट में जो गाइस बॉट आईडी आता है जिसके पास रेयर कलेक्शन है। एंड इस बंदे के पास तो भाई मतलब सबसे ज्यादा ही मतलब बोल सकते हैं आप लोग रेयर कलेक्शन है, ठीक है? जो कि है गन स्किन। एंड वो क्या गन स्किन है गाइस, वो है बनी MP40। जी हाँ, जो क्रेजी बनी MP40 है वो है गाइस इस बंदे के पास, एंड वो भी परमानेंट, समझ रहे हो भाई? आज के डेट में मतलब क्रेजी बनी MP40 कितना ज्यादा रेयर है, बंदे पाने के लिए मतलब इसको तरस जाते हैं, ठीक है? एंड भाई ये बहुत ही ज्यादा डायमंड खाता है, कभी भी अगर आता है किसी भी इवेंट वगैरह में तो बहुत ज्यादा डायमंड मतलब यहाँ पे लगता है इसको निकालने के लिए। इनफैक्ट अज्जू भाई ने भी आपको पता है गाइस 3 लाख डायमंड वेस्ट कर दिया था बनी MP40 के पीछे, बट उनको नहीं मिला था बनी MP40, ठीक है? क्योंकि ये इतना ज्यादा रेयर है, एंड आज के डेट में बहुत बंदों के पास ये अवेलेबल होंगे, बट गाइस ये फिर भी रेयर है बनी MP40। आपको पता है कि भाई बंदे इसको पाने के लिए मतलब भाई कितना ज्यादा डायमंड फूंक देते हैं, ठीक है, इधर उधर, एंड भाई मिलता भी नहीं है। बट इस बंदे के पास नूब कलेक्शन है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस बंदे के पास और कुछ भी नहीं है, बस इस बंदे के पास है बनी MP40।
जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आई नो जब बनी MP40 रिटर्न आया था तो आप लोगों में से बहुत सारे बंदे का इस यहाँ पे बनी MP40 के लिए बहुत सारे डायमंड यहाँ पे उड़ा दिए, ठीक है, उनको मिला कि नहीं आप बताना मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपके पास गाइस बनी MP40 है कि नहीं, या फिर गाइस आप लोगों ने कितने ज्यादा डायमंड उड़ा दिए बनी MP40 के पीछे जब भी ये रिटर्न आया था 2-3 बार। फाइनली आ जाता है मैं टॉप 1 नंबर लिस्ट में, जो गाइस बोट आईडी है जिसके लिए अभी तक आप लोग वेट कर रहे हो। एंड भाई मैं बता रहा हूं आप लोगों ये वर्थ इट होगा, मतलब वेट जो किए आप लोगों ने, ठीक है। इस बंदे के पास गाइस इतने ज्यादा रेयर एस कलेक्शन है ना, सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक इलाइट पास है। एंड भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। एंड भाई मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर कलेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। शुरुआत करते हैं यहाँ पे सीजन 1 इलाइट पास से। इस बंदे के पास देख सकते हो सीजन 1 इलाइट पास है, जो कि सकुरा इलाइट पास है। एंड भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, आपको पता है कि मतलब इतना ज्यादा पुराना इलाइट पास है। एंड ये भाई बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, ठीक है, ये रियल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने पहना हुआ भी है, मतलब इतना ज्यादा रेयरेस्ट कलेक्शन है इस बंदे के पास, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सीजन 2 इलाइट पास भी है, हिप हॉप इलाइट पास, फिर उसके बाद सीजन 3 इलाइट पास भी है भाई, मतलब समझ रहे हो। एंड उसके बाद सीजन 4 इलाइट पास भी है, जो कि मार्क्स होता है, मतलब इतना ज्यादा फेमस मार्क्स है वो, ठीक है, सीजन 4 इलाइट पास का वो भी है। एंड उसी के साथ मतलब यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक टी शर्ट भी है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। बट ये जो आईडी है, मैं बॉट आईडी क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इस बंदे के पास देख सकते हो इस बंदे ने मतलब अभी पता नहीं गेम खेलता है या नहीं, बट गाइस इस बंदे के पास गन कलेक्शन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मतलब गन कलेक्शन है ही नहीं इस बंदे के पास, ठीक है, जो कि इतने ज्यादा मतलब यहाँ पे पुराने पुराने चीजें है इस बंदे के पास। एंड सीजन 1-2 का बैनर भी आप लोग देख सकते हो, बंदे ने सीजन 1 का बैनर भी लगाया हुआ है, तो इससे पता चलता है ये आईडी जो है काफी ज्यादा जेन्युइन आईडी है, मतलब इतना ज्यादा पुराना आईडी है। अगर गाइस आपको ये आईडी मिल जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? मेरे हिसाब से ये जो बंदा है ये अभी गेम खेलना छोड़ चुका है, ठीक है, क्योंकि बंदे के पास मतलब सीजन 1 से लेकर सीजन 4 लाइट पास है। अगर ये सेल भी कर देता अपना आईडी तो अच्छा खासा इसको मतलब पैसा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब भाई अगर इस बंदे ने सेल नहीं किया है तो भाई मतलब बंदे ने खेलना छोड़ दिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी के आइटम्स इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है। अभी जो न्यूली आए बंडल्स है या फिर कुछ भी है, गन स्किन वगैरह फ्री में मिले हैं, वो सारे कुछ भी नहीं है इस बंदे के पास, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये जो बंदा है अभी शायद गेम खेलना पूरी तरीके से छोड़ चुका है। इमेजिन करो अगर आपको ये आईडी मिल जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड हाँ भाई, ये जो बॉट आईडी मैंने आप लोगों को बताया 5 बॉट आईडी, कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? एंड भाई मतलब कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक लगा ये मेरे को बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड भाई कभी क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा था मतलब बोट आईडी में इतने ज्यादा पुराने रेयर कलेक्शन होंगे, सीजन 1 इलाइट पास, सीजन 2 इलाइट पास, यहाँ तक कि सीजन 3 एंड 4 इलाइट पास भी होंगे, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे एक आईडी नहीं, मैंने आप लोगों को इतने सारे आईडीज दिखाए जिसमें बहुत सारे रेयर कलेक्शन है। तो अगर आपको भी ऐसे आईडीज और मिलते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर से सेंड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको क्रेडिट देकर मतलब वीडियो में बोल दूंगा। एंड भाई अगर वो रेयरेस्ट कलेक्शन होता है तभी मैं फीचर करूंगा। तो यार इंस्टाग्राम का प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा होगा, जल्दी से जाओ एंड फॉलो करो। एंड भाई यहाँ पे सेंड कर देना मेरे को अगर आपके पास भी ऐसा आईडी है या फिर आपको कभी मिलता है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।